गिर गया, गिरते गिरते बच गया, टायर फिसल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रास्ते का भी पूरा कवर करते हैं और हमारे इलाके में ही रहते हैं ये नेवल कॉलोनी में। तो बाकी ये है कि इनका जो है ना चैनल सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं तकरीबन सारा। है और कराची से उथल जो है तकरीबन जो यहाँ तक तो 140 किलोमीटर जो मैप आपको ये बताता है, ठीक है लोकेशन, तो इसके अंदर जो है 130 किलोमीटर जो है वो ऑन रोड है और 10 किलोमीटर तकरीबन इसमें ऑफ रोड है, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम फूड एंड ट्रेवल विद इलियास, मैं खुशामदीद। आज मैं मौजूद हूँ 4 नंबर अल अजवा होटल पर और आज की हमारी राइड होगी खर्राड़ी रिवर। वो ऐसा रिवर जहाँ पर दो दरिया आपस में मिलते हैं, एक बिल्कुल क्लीन है और एक थोड़ा सा मड है। वो आज हम जाके उसका ट्रिप करेंगे या टूर करेंगे। तकरीबन वन साइड अगर देखा जाए तो ये 150 किलोमीटर है और अगर टू साइड देखा जाए तो ये 300 किलोमीटर, यानी हमारे रिटर्न 300 किलोमीटर होगा। अभी हमने बहुत ही खूबसूरत सा नाश्ता किया है, अंडा पराठा हो गया, इसके अलावा चने हैं, चाय है, तो काफ़ी अच्छी जो है हमारी राइड होने वाली है इस वक्त और काफ़ी इंजॉय करने को और काफ़ी अच्छी सीनरी आपको देखने को मिलेगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता अगर हो सका तो मैं एक ही वक्त में आपको अपडेट करूंगा या फिर मैं उस खर्राड़ी रिवर पर पहुंच के आपको अपडेट करूंगा। अच्छा दोबारा बताता जाऊं कि हम जो है यहां से तकरीबन बल्दिया टाउन 4 नंबर से निकलेंगे, हब रिवर रोड को फॉलो करते हुए हब चौकी जो है वहां पर जाएंगे पहले, उसके बाद वही सोमयानी बीच और डैम बीच वाला जो रोड है वही फॉलो करते हुए हम जो है पहले विंदर पहुँचेंगे, विंदर के बाद 0 पॉइंट, देन उथल और उसके बाद खर्राड़ी रिवर की तरफ हम मूव हो जाएंगे। तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छी राइड होने वाली है। इस वक्त हो रहे हैं सुबह के तकरीबन कुछ 7:30 बजे और तमाम राइडर्स जो है तकरीबन 6-6:30 बजे तक ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे और अपना नाश्ता कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद जो है काफ़ी अच्छी राइड देखने को आपको मिलेगी और आप काफ़ी इंजॉय करेंगे, तो मेरे साथ ही रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ तो फाइनली हम जो है अभी हब का जो बाईपास है वो पास करते हुए अभी हम आगे निकल आए हैं उससे। तो वीडियो चूँकि मैंने बनाई थी तो पता नहीं क्यों मिस हो। जब भी इन जो ट्राले या बल्कर वगैरह हैं इनको क्रॉस करने लगते हैं तो सामने से, क्योंकि ये सिंगल रोड है आने जाने का, उसमें काफ़ी डर होता है कि सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। आप देख सकते हैं कि जो है साइडों पे काफ़ी अच्छी सीनरी दिखने को मिल रही है और एक पूरी लाइन अप और पूरी रो बना के जो है तमाम बाइकर्स जो है आसपास जो है तमाम बाइकर लाइन बना के जा रहे हैं। और यहाँ पे ये है कि पता नहीं चलता कि कभी भी जो है सामने से कोई भी चीज़ आ सकती है, इसलिए अपनी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी रखनी पड़ेगी। बीच में जो है नेवी हो गई, एफसी ओगर और लेवी के जो है बहुत सी पोस्टें जो है आसपास नज़र आई थी। काफ़ी सिक्योर एरिया है आने के लिए, आपको बिल्कुल जो है किसी किस्म की ये सोच में नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा गैर मोहतात और गैर महफूज जगह है। आप आएँ, हमारा तो ट्रिप तकरीबन 40 से 50 बाइकों का था और इसके अलावा और भी हमें रास्ते में बाइकें नज़र आई हैं। अब बिल्कुल सुकून से पहुँचे हैं यहाँ पर। अभी थोड़ी देर यहाँ पे जो है खाना वाना खाएंगे, खाना नहीं हुआ तो चाय वगैरह, ये थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद दोबारा जो है इसी ट्रिप को आगे इंजॉय करेंगे। अगर कोई पार्ट मिस हो गया होगा, इसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा उसमें और भी आगे जो है ट्रिप की आगे डिटेल्स वगैरह भी आपके साथ में शेयर करूँगा।